मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने किया बाढ़ ग्रस्त इलाके का दौरा। 29 अगस्त 2019 के शासन निर्णय की सहायता की तरतूदी लागू करे 10,000 रूपए की सहायता जल्द देने की मांग सुधीर मुनगंटीवार ने की। पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तहसील के बेलगांव, बेटाड़ा और पारड़ गांव आदि गांव को भेंट देते बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। इस समय उन्होंने बाढ़ग्रस्तों से संवाद साधते हुए उन्हें दिलासा दिया। इस समय सांसद अशोक नेते, विधायक कीर्ति कुमार भांगड़िया, पूर्व विधायक अतुल देशकर, जिला परिषद अध्यक्षा संध्या गोरनुले, जिला भाजपा के अध्यक्ष देवराव भोंगले, जिला परिषद सदस्य संजय गजीपुरे, इनके साथ ही भाजपा पदाधिकारियों की प्रमुखता से उपस्थिति थी। पूर्व विदर्भ के बाढ़ का संकट गंभीर है। यदि गोसी खुर्द का पानी छोड़ना था तो नागरिकों को पूर्व सूचना देना आवश्यक था, तो यह बाढ़ की स्थिति इतनी भीषण स्वरूप में सामने न आई होती। गांव में पानी घुस जाने से गांव को पानी ने घेर लिया। घर खेती का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, जिससे नागरिकों को जल्द ही मदद मिलने की आवश्यकता है। जल्द ही बाढ़ ग्रस्तों को 10,000 की मदद करें। 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, केरोसिन आगामी 3 महीनों तक बाढ़ ग्रस्तों को दिए जाए, ऐसी मांग पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने की। बाढ़ ग्रस्त इलाके में भाजपा की ओर से मदद कार्य शुरू होकर भारतीय जनता पार्टी बाढ़ ग्रस्त नागरिकों के साथ है, ऐसा भी इस समय उन्होंने कहा।